लिखना एक कला है, लेकिन इस कला को कैसे बेहतर बनाएं? अगर यह कला जिसके भी पास है उसको लोग याद करते हैं, क्योंकि लेखन एक ऐसी कला है जिसके ज़रिए आप अपनी आत्मकथा, आप अपनी जीवनी या आप अपने एक्सपीरियंस को पूरा निचोड़ के साथ कागज़ पे उतार सकते हो और उसको दुनिया पढ़ सकती है। तो लेखन एक ऐसी कला है जो कि हमें पानी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जो लेखन है, लिखना है, उस कला को कैसे बेहतर बनाएं या कैसे उसको इम्प्रूव करें। अगर आप स्टूडेंट हो या आप किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आपकी रुचि लिखने में है, किसी भी चीज़ को, कविता लिखने में, निबंध लिखने में या शायरी लिखने में या कोई भी चीज़, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं, तो आज इस वीडियो में हम उसको जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटा है उसे भी ऑल पर ऑन कर दें, और जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं आपके फ्रेंड्स या जो भी, उनको वीडियो को शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहली टिप्स है रीड वाइडली। लिखने के लिए पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप इतना पढ़िए कि बहुत अधिक पढ़िए। आप जितना अधिक पढ़ेंगे, जितने अधिक लोगों की किताबों को पढ़ेंगे, उतना ही आप अच्छा लिख सकते हैं। आप उससे यह जान पाएंगे कि वह किस प्रकार लिखते हैं और उसको आप अपने लेखन में यूज कर सकते हैं। तो पहली टिप्स है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। दूसरी टिप्स की बात करते हैं राइट रेगुलरली। इसमें क्या करना है आपको, डेली लिखना है। मतलब जो भी आप चीज़ सीखना चाहते हैं उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। समय मतलब कि आपको डेली लिखना पड़ेगा, डेली लिखो। आप उसको रेगुलरिटी दो, रेगुलरिटी दोगे तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। तो लेखन को बेहतर बनाने के लिए डेली लिखना पड़ेगा। तो तीसरी टिप्स की बात करते हैं प्लान योर राइटिंग। मतलब जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो आपका फ्यूचर में लिखना चाहते हैं, उसकी पहले से प्लानिंग करें कि मैं इस महीने में ये लिखूँगा, इस साल में ये लिखूँगा, या जो भी है उसकी पहले से प्लान कीजिए। वो प्लान के तहत आप अपना लिखना स्टार्ट कीजिए और उसके बारे में सारी जानकारी एकत्रित करके रेगुलर लिखते रहिए। चौथी टिप्स हैं फोकस ऑन ग्रामर एंड पंक्चुएशन। यह बहुत ज़रूरी है। जो आप लिख रहे हैं उसकी ग्रामर सही होनी चाहिए और पंक्चुएशन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है कि ग्रामर में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, या पंक्चुएशन सही है, उसका सुर लय ताल एकदम सही है, वाक्य सही है। इन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फोकस ऑन ग्रामर एंड पंक्चुएशन। तो जो भी आप लिख रहे हैं या जो लिखने वाले हैं उसमें ग्रामर और पंक्चुएशन पर आपको बहुत ध्यान देना है। एंड आखिरी पांचवी टिप्स है एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। अर्थात क्योंकि लिखने के लिए आपके पास बहुत अधिक शब्दों का होना बहुत ज़रूरी है, तो वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए आपको न्यूज़पेपर को पढ़ना पड़ेगा, नई नई किताबों को पढ़ना पड़ेगा, वो अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए नए नए वर्ड को याद कीजिए और उनको अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाती जाइए। और वो कैसे आएगा, आप नई नई किताबें पढ़ेंगे और अखबार पढ़ेंगे, जो भी आपको चीज़ पढ़ने को मिली उन सबको पढ़ने से ही आपको वोकैबुलरी आपकी बढ़ पाएगी। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनके ज़रिए आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप अपने को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।